हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ, चैप्टर नंबर 15, लाइट। सो एज वी ऑल नो, लाइट इज व्हाट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और ये क्या करता है कि हम जो हमारे आजू बाजू सारी चीजें हैं उनको देखने में हेल्प करती है, क्योंकि कभी लाइट नहीं होती है तो हमें जो हमारे सामने पड़ी हुई चीजें हैं वो भी क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट में वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अपार्ट, इट बाउंस ऑफ और गेट्स रिफ्लेक्टेड। क्या होता है कि जब लाइट का किसी सोर्स से लाइट आती है और वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो बाउंस बैक हो जाता है, मतलब उससे टकरा के वापस जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमारी आईज तक पहुंचती है। ठीक है, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है वो जब हमारी आईज तक पहुंचती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इफ वी आर नॉट लुकिंग एट अ सोर्स ऑफ लाइट दैट टर्न्स लाइट टूवर्ड्स आर आईज, वी विल ओनली सी द डार्कनेस। और क्या होगा कि अगर हम सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट को देखें, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, लाइट को हमारी आईज में लेकर आ रहा है, तो क्या होगा कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जब तक रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज तक नहीं पहुंचेगी हमें सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई देगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक वॉल हो अगर बीच में रूम के और उसके उस पार सोर्स हो एक लाइट का, ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे, बीच में वॉल रहेगी तो दीवार की वजह से हमें उस पार का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, हम सबको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमेशा कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्व होके, मतलब ऐसे गोल गोल राउंड राउंड ऐसे होके वो ट्रेवल नहीं करती। जो लाइट का ट्रेवलिंग मोड है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग जो है वो क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप अगर एक पाइप लें, स्ट्रेट पाइप, और अपनी आईज से इस कैंडल को देखें तो आपको स्ट्रेट पाइप से ये कैंडल की लाइट इजीली विजिबल होगी। बट अगर आप एक बेंट पाइप लें, एक मुड़ा हुआ पाइप लें और उससे फिर आप इस लाइट को देखें तो क्या होगा कि आपको लाइट प्रॉपर दिखाई नहीं देगी, इवन कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, डार्कनेस दिखाई देगी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ मिरर बाउंसेस बैक द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक जो मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को बाउंस बैक करता है, मींस मिरर पे जैसे ही लाइट पड़ती है वो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बाउंसिंग बैक होती है, मींस किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ती है और फिर वो बाउंस, मतलब बैक उस पे टकरा के वापस रिटर्न आ जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और आप मिरर को टर्न करके, अगर यहां वहां मिरर टर्न करें तो जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सरफेस के अकॉर्डिंग जहां लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, लाइट को, रिफ्लेक्शन को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है रेगुलर एंड अनादर इज इरेगुलर। टू टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेरी वेल पॉलिश्ड। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे टकरा के लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये अगर स्मूथ रहेगा और पॉलिश हो, मतलब अच्छे तरीके से पॉलिश्ड हो एंड स्मूथ हो, एकदम प्लेन हो, तो क्या होगा कि लाइट जो है वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होगी, मींस प्रॉपर एक डिस्टेंस, एक वेल मैनर में जाके वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि लाइट रेज यहां से आई, इस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो वेल मैनर में हुई है वो, यहां वहां रिफ्लेक्ट नहीं होके एक प्रॉपर रेगुलरली रिफ्लेक्ट हुई है।
ठीक है, तो दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसा है, डल है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है, और ना ही पॉलिश्ड है प्रॉपरली। तो क्या होगा कि जो लाइट रेज है वो जैसे ही आएंगी इस पे और सरफेस से टकराने के बाद वो यहां वहां स्कैटर हो जाएंगी, बिखरी बिखरी सी यहां वहां रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में यहां वहां स्कैटर हो जाएंगी। सो दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर? अ प्लेन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस विच टर्न्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसपे क्या होता है, लाइट की रेज जो है वो पड़ती है और वो उसको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में बैक कर देता है, मीन्स वो उस पर टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है रेज। तो ये कैसा मिरर होता है, ये प्लेन मिरर होता है, ठीक है। जब हम कभी मिरर के इन फ्रंट खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि आप अपनी मिरर को टच, आप अपनी इमेज को टच कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द इमेज सीम्स टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्योंकि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, इसीलिए क्या होता है कि हम उसको टच नहीं कर पाते हैं। और जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मींस अपोजिट बनती है। जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर में राइट हैंड दिखता है और जो राइट हैंड होता है वो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है। तो इस टाइप की इमेज फॉर्म होती है किसमें, प्लेन मिरर में। और इस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज नहीं होती है, ठीक है, और इसको स्क्रीन पे कैप्चर भी नहीं कर सकते। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो इमेज जो कि प्लेन मिरर पे बनती है वो इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। पहला क्या है, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन अपराइट वर्चुअल इमेज, ठीक है, एक प्लेन मिरर जो है वो हमेशा एक उल्टी इमेज क्रिएट करता है, लाइक लेफ्ट हमेशा राइट शो होगा, राइट हमेशा लेफ्ट शो होगा। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बन रही है उसकी साइज के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आप एक एलिफेंट को खड़ा करें तो उसकी वैसी इमेज बनेगी जितनी उसकी साइज है, और एक कोई ह्यूमन बींग को खड़ा करें तो उसकी वैसी इमेज बनेगी, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और आप जहां इमेज बना रहे हैं, लाइक मिरर के जितने डिस्टेंस से आप इमेज क्रिएट करेंगे, मींस आप जितने डिस्टेंस से खड़े होंगे उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा पास जाके खड़े होंगे तो आपकी इमेज पास शो होगी, अगर आप थोड़े थोड़े दूर डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो वैसा वैसा मिरर के बिहाइंड भी उसी डिस्टेंस से आपकी इमेज क्रिएट होगी। नाउ देयर आर सम टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो कि क्या है, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या है, एक प्लेन सरफेस लिया हुआ है एम से लेके एम डैश तक, ठीक है। इसके बाद इंसिडेंट रे क्या है, पी से लेके क्यू तक, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे आप क्यू लिख लीजिएगा, पी से क्यू तक एक इंसिडेंट रे आई, मीन्स एक लाइट की रे आई यहाँ पे और इस सरफेस से टकरा के वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्यू से लेके आर तक क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट हुई है। क्यू और एन ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो है ये, क्यू एन ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के इसके बीच में जो एक एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है, ठीक है। इसके बाद इस साइड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल आर, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इंसिडेंस के एंगल को हम एंगल आई बोलेंगे एंड रिफ्लेक्शन के एंगल को हम एंगल आर बोलेंगे। यही टर्म्स आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिए हुए हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होगी, वो रे ऑफ लाइट जो कि किसी सरफेस पे आके इंसिडेंटली पड़ी है,
ठीक है, तो इसीलिए उसका नेम क्या हो गया, इंसिडेंट रे। जिस जो फिगर में कैसे डिनोट की गई है, पी क्यू से। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वो रे जो रिफ्लेक्ट होके गई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये फिगर में क्यू आर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट जहां पे जाके लाइट रे स्ट्राइक हुई है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब जिस पॉइंट से वो जाके रिफ्लेक्ट हुई है और जाके इंसिडेंस हुई है, तो वो पॉइंट क्या होगा, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको क्यू से डिनोट करना है। यहाँ पे आप क्यू लिख लीजिएगा। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगी, एक लाइन को ड्रॉ करना है, मींस एक लाइन आप इमेजिन कर लीजिए कि 90 डिग्री से किसके, वर्टिकली, मींस ये हॉरिजॉन्टली सरफेस है एक एम एम डैश, इससे 90 डिग्री आपको एक लाइन को इमेजिन करना है, ठीक है, जो कि क्या होगी, क्यू एन। इसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको एंगल आई बोलेंगे। तो पी क्यू एन, ये जो पी है ये क्यू एन, इसके बीच का जो एंगल है, एंगल आई, ये होगा इंसिडेंस एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आर क्यू एन, आर क्यू एन के बीच का एंगल आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए हुए हैं कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से, तो वो इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और ये तीनों जो रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा कैसे होंगी, सेम प्लेन में ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से इंसिडेंट रे आ रही है किसी दूसरे सरफेस से और किसी दूसरे उससे नॉर्मल लिया है, ऐसा नहीं होगा। तीनों जो रेज बनेंगी वो एक सेम प्लेन से ही तीनों को, मतलब लाए करेंगी, तीनों एक ही जगह से लाए करेंगी, एक ही जगह पे लाए करेंगी। क्लियर। इसके बाद रियल एंड वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज बनती है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से, इट रेज एंड इट कैन फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। जो रियल इमेज बनती है वो कैसे बनती है, जब लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट होती है, आपस में टकराती है, तब जाके जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है। द पिक्चर्स प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल आर रियल इमेजेस। वो पिक्चर्स जो सिनेमा हॉल में हम देखते हैं प्रोजेक्ट होती हैं, किससे, प्रोजेक्टर के थ्रू, ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो प्रोजेक्टर है उससे लाइट की रेज आ रही है और वो जैसे ही स्क्रीन पे फॉल होती है तो हमें इमेजेस शो होती है, ठीक है, तो वो इमेज होती है रियल इमेजेस। लेकिन जो इमेज मिरर में बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, वो रियल नहीं होती। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सीन इन साइड द मिरर। और वो इमेज जो हमें प्लेन मिरर में शो होती है वो कैसी होती है, मिरर के अंदर बनती है, ठीक है, इन साइड द मिरर वो इमेज क्रिएट होती है। द इमेज इज नॉट रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। और ये इमेज कैसी होती है, स्क्रीन पे रिसीव नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टर है उससे लाइट रे आती है और हमें वो शो होने लगती है इमेजेस। बट इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा हो, सामने खड़ा हो, तब फिर उसकी इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो इसीलिए इस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।